उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों से सियासी पारा हाई है। समाजवादी पार्टी के दो विधायकों पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है। सूत्रों का दावा है कि दोनों ही विधायकों और कुछ सपा नेता जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अभी तक हमारा कोई भी विधायक तो गया नहीं है, जहां तक हम अपना संगठन मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी से बेहतर कैंडिडेट हमारे पास हैं। हमारे संगठन के साथ पूरी टीम बैठक नेताओं से बात करेंगे, हम सभी एक होकर बात करेंगे, ये सब झूठी अफवाह है। इंद्रजीत सरोज का बयान अब आ गया है, उन्होंने खंडन कर दिया है। बीजेपी के लोग छोटे लोग हैं, सुषमा पटेल कोई विधायक नहीं थी। सपा नेता ने कहा, सुषमा पटेल पहले भी हमारी पार्टी की नहीं रही हैं, उस समय पार्टी छोड़कर आई थी तो हमने लड़ा दिया था। जबकि योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आना चाहते हैं और उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करता है। दयाशंकर सिंह ने कहा, जब केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर देगा तो आप देखेंगे कितने लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। सभी दलों से लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम योगी के मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन मंत्री मिलेंगे जो पार्टी में बहुत जल्दी आए थे। अब हमारे मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं, जो जिस लायक होगा उसका उस तरह से सम्मान होगा। बता दें कि सपा के दो विधायक समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा लगातार चल रही है।